अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आलू भिंडी की भाजी। तो चलिए इसका रेसिपी देखते हैं। यहाँ मैंने लिया हुआ है भिंडी, आलू, टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची। बस इतने ही चीज़ें जानी चाहिए हमें। अब एक कढ़ाई में हम तेल लेंगे। और इसमें जो हमने प्याज काट के रखी हुई थी वो डाल देंगे और हरी मिर्ची। और डालने के बाद हम इसे मिलाएंगे कुछ देर। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसमें हम टमाटर डालेंगे और इसे भी मिला लेंगे कुछ देर। इस पॉइंट पे हम इसमें भिंडी और आलू को डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे। आधी चम्मच ले सकते हैं या मैंने यहाँ 1/4 टेबल स्पून लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और नमक डालकर इसे मिला ले अच्छे से। अब इसे ढककर हम पकने देंगे करीब 2 से 3 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे। यहाँ आलू गल चुकी है और भिंडी भी हो चुकी है। बस इसे हम ऐसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक और पकाएंगे। इसी तरह से हम मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। यहाँ हमारी सब्जी बनकर तैयार है। ये रेडी है। आप भी इसे इस तरह से ट्राई कीजिए, अच्छी होती है ये, इसकी टेस्ट भी अच्छी होती है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। सेफ रहिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।